हेलो फ्रेंड्स, होम श्रृंगार चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर होम एंड किचन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। होम और मैजिशियन की आइडियाज भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर मैं घर के लिए कुछ सामान परचेज करती हूँ तो वो भी मैं आपको एक हॉल पैक में दिखाती हूँ। अगर आपको ये मेरे हॉल वीडियोज पसंद आते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग के कमेंट्स से भी मुझे पता चलता है कि आप इस तरह के वीडियोस देखना काफी पसंद करते हैं। तो इसी तरह का मैं एक और वीडियो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैंने कुछ घर से ही रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया है और मैंने उनका सभी का डेमो भी किया है, मतलब मैंने उनको यूज करना शुरू भी कर दिया है। अगर कोई प्रोडक्ट मुझे ठीक नहीं लगा है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। मैं सभी की पैकिंग भी आपको दिखाती हूँ कि पैकिंग किस टाइप की आई है। कई बार हमारी जो पैकिंग होती है वो ठीक नहीं आती और अंदर जो हमें प्रोडक्ट रिसीव होता है वो डैमेज होता है। और मीशो पे थोड़ा सा इस बात का इशू हमेशा से रहता भी है कि प्रोडक्ट हमको कल डिलीवर हो जाता है। तो मैं आपको एक यहाँ पे टिप भी बताऊंगी, अगर आप मीशो से शॉपिंग कर रहे हैं तो जब भी शॉपिंग करें ट्रस्टेड सेलर को देखकर ही करें। यहाँ पर जो मैं आपको कंटेनर्स दिखा रही हूँ ये फ्रिज के स्टोरेज के लिए हैं। इसमें आप अपनी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उनको कट करके रख सकते हैं। जैसे आप वर्किंग है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक बार में इसे सब्जियां कट करके रख दीजिए। और इसमें अंदर एक बास्केट बनी हुई है तो इससे एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाता है और जो हमारी अंदर वेजिटेबल्स होती हैं वो भी एकदम फ्रेश बनी रहती हैं। तो मुझे इस टाइप के कंटेनर्स काफी पसंद आते हैं, मैं अपने किचन में इस टाइप के कंटेनर्स रखती भी हूँ। और देखिए पैक ऑफ 4 है तो इसमें आप अपना कोई भी सामान अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। काफी सारी इसमें क्वांटिटी में आपकी वेजिटेबल्स आ भी जाएंगी। इसमें कोरिएंडर्स है, चिली वगैरह है, जिंजर है और अगर आप कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको भी स्टोर करते हैं तो सब एकदम फ्रेश बने रहते हैं। और जो इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी है फ्रेंड्स ये भी अच्छी है, कोई लो क्वालिटी यहाँ पर यूज नहीं की गई है। तो देखिए इसका लुक भी बड़ा अच्छा है, कलर्स भी काफी प्यारे से हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैंने इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करना भी शुरू कर दिया है। तो देखिए मैंने ग्रेप्स इसमें स्टोर किए हैं और इन 4 कंटेनर्स का जो प्राइस है वो है 278 रुपीज विद शिपिंग है। और देखिए इसमें चिली वगैरह भी मैंने रख दी है तो ये काफी फ्रेश रहने वाली है। जरूरत नहीं होने पर इस तरह से आप इनको स्टैक करके कहीं पर रख सकते हैं, जरूरत होने पर फिर से निकाल के यूज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट ओपन करते हैं। और फ्रेंड्स ये जो है ये एक स्पाइस जार की एक सेट है, इसमें आप अपने स्पाइसेस वगैरह रख सकते हैं, चाहे तो इसमें आप स्नैक्स वगैरह भी रख सकते हैं। जैसे कि आपके घर गेस्ट आते हैं कुछ छोटा मोटा मिश्री और हम लोग रखते हैं ना अक्सर सोप वगैरह, माउथ फ्रेशनर वगैरह, उसको रखने के लिए ठीक है। पर जब मैंने इनको ओपन किया तो प्लास्टिक की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन जो इसका लिड था वो काफ़ी लूज था, बार बार खुल जा रहा था, बिल्कुल भी एयर टाइट नहीं था, एकदम से लूज ही था। तो मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप इसमें मिश्री वगैरह अगर इस टाइप का कुछ सामान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसमें जो भी आप सामान रखेंगे मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक रहेगा क्योंकि इसकी कैप काफ़ी लूज है, सामान गिर भी सकता है। तो मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है। अगर आप में से किसी ने लिया है और उनका प्रोडक्ट सही निकला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और इसमें इसके जो हमारे ये 3 जार हैं एक इसके नीचे ट्रे भी मिलती है तो इसके ट्रे का यूज़ आप पानी वगैरह के ग्लासेस वगैरह किसी को सर्व करने हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे ये प्रोडक्ट नहीं पसंद आया है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रोडक्ट दिखाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है ये बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों को ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, उनको यूज़ तो नहीं करना है पर उनके काम का काफ़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक फ्रेंच फ्राइज मेकर है, इसमें आप आलू की जो चिप्स वगैरह होते हैं उनको कट कर सकते हैं और इसके जो ब्लेड्स हैं काफ़ी शार्प हैं। ये जो प्रोडक्ट है एकदम से नया नहीं है, मैंने पहले भी काफ़ी बार इसको देखा हुआ है पर मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया था ये वर्क कैसा करता है। तो चलिए आज इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने एक पोटैटो को इसमें छील करके लगा दिया है पर ये मुझसे प्रेस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है इसको प्रेस करना और काफ़ी मुश्किलों के बाद भी नहीं हो रहा है। चलिए फिर से आलू को सेट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स मुझसे तो ये हो नहीं पा रहा था, फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और मैंने इसमें 2-3 मुक्के लगा दिए और देखिए ये इजीली नीचे चला गया। तो बस आपको इसी तरह से इसको कट करना है, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और एकदम से प्रेस करते हैं तो ये नहीं होता है। तो मैंने इसको कट कर लिया है और थोड़ा सा हार्ड है इसको ओपन करना भी, अभी कि हो सकता है नया है इसलिए इतना टाइट है, धीरे धीरे यूज़ करने के बाद ये सॉफ्ट भी हो सकता है। तो देखिए इसमें से जो फिंगर चिप्स हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, कुछ फंसे रह गए उनको भी निकाल लेते हैं। देखिए जो इसमें फिंगर चिप्स कट के आए हैं वो उनका साइज बहुत अच्छा है, सारे इक्वल हैं, बस थोड़ा सा हमें प्रेस ज्यादा करना पड़ा, हो सकता है धीरे धीरे इसके ब्लेड सही हो जाएं पर यूजफुल प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट ओपन करते हैं और ये जो फ्रंट में आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये 5 कंटेनर का सेट है, स्टील का बना हुआ। फ्रिज वगैरह में अगर आपके स्पेस की कमी होती है, सामान ज्यादा रखना होता है तो देखिए इस तरह के कंटेनर काफी सही रहते हैं।
ये थोड़े मतलब चौड़ाई में ज़्यादा हैं, इनकी हाइट कम है, तो इसमें आप सामान रख सकते हैं, तो इसमें जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी आ जाती है। तो आप कम स्पेस में एक के ऊपर एक रख के फ्रिज में काफ़ी सारा सामान, अपना लेफ्ट ओवर फूड वगैरह है, अगर आपने आटा वगैरह रखना है तो कुछ भी सामान इसमें अच्छे से स्टोर हो जाता है। और देखिए एक के अंदर एक ये रख के आए हैं, ज़रूरत ना होने पर इनको आप ऐसी तरह से रख भी सकते हैं। क्वालिटी अच्छी है स्टील की, बिल्कुल हल्की क्वालिटी नहीं है, तो इनको आप ले सकते हैं। प्राइस मैंने स्क्रीन पर शो कर दिए हैं। अगला जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, आजकल काफ़ी वायरल प्रोडक्ट है, मैंने इसके काफ़ी वीडियोस भी देख रखे थे, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये एक पूड़ी कटर है, इसमें एक साथ में कई पूड़ियाँ आप कट कर सकते हैं। स्टील का बना हुआ है और शार्प भी है, कटिंग करने में इजी है, इस तरह से घुमाते हुए इससे पूड़ियाँ कट जाती हैं। चलिए इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बड़ा स्पेस चाहिए क्योंकि हमें काफ़ी सारी पूड़ियाँ कट करनी है, तो वो चकले पर तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए मैंने ये एक सिलिकॉन का मैट ले रखा है रोटी बनाने का, मैंने आपको पहले वीडियो में भी शो किया था, इसका लिंक भी आप ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है, सिलिकॉन का बना हुआ है, तो इसमें हम काफ़ी बड़ा सा आप इसको बेल सकते हैं, तभी तो हम इसमें कई सारी पूरियां एक संग कट कर पाएंगे। अगर हम बड़ा बेलेंगे तो देखिए इस तरह से इसमें पूरियां कट रही हैं, एक बार में ही कट जा रही हैं इजी, तो वर्क तो ये अच्छा कर रहा है। अब मैं इसको आपको एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो बता देती हूँ, ये जो पूरियां बनके तैयार हुई हैं इनका साइज़ काफ़ी छोटा है, जो हमारा गोलगप्पा वगैरह होता है उससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पूरियों से छोटा है। तो इतनी छोटी पूड़ियाँ अगर आप लोग खाते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे लिए तो यूज़लेस है, हम लोग तो इंडियन से फटाफट पूड़ियाँ बेल ही लेते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। और ये जो प्रोडक्ट है मेरे घर में आजकल डेली यूज़ हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके संग इसको यूज़ किया जा सकता है, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो। देखिए ये एक कुकी कटर है, इससे अगर आप कुकीज़ वगैरह बनाते हैं तो उनको कट कर सकते हैं। चलिए पहले मैं ओपन करके इसकी क्वालिटी आपको दिखा देती हूँ। और देखिए इसमें 4 डिज़ाइंस हमको मिले हैं और एक डिज़ाइन में हमें 3-3 कटर्स मिले हैं, छोटे बड़े के साइज़ में हैं। ये जो गोल वाला डिज़ाइन है, इससे आप गोलगप्पे वगैरह अगर बनाना चाहें घर पे तो बहुत अच्छा कट होगा, तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज़ और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, इसको आप अपनी जैसे मठरी वगैरह बनाते हैं ना, नमक पारी वगैरह, तो उसकी कटिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ इसका यूज़ है। तो चलिए जो हमने भी पूड़ियाँ बेली थी इन्हीं को कट करके चेक कर लेते हैं, इसकी शेप कैसी होती है, कटिंग में कैसा है। तो मैंने कुछ इस पर कटिंग करके देखी है और देखिए ऊपर की साइड तो ये डबल फोल्ड है, नीचे की साइड इसमें थोड़ा सा शार्प है, तो उसी साइड से हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से आप अपनी मठरी वगैरह बना सकते हैं और सभी शेप का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को ये शेप्स काफ़ी पसंद आई तो मैंने इसका एक और यूज़ किया, बच्चे रोटी वोटी खाना पसंद नहीं करते हैं तो मैंने जो उनकी रोटियाँ हैं आजकल थोड़ा सा उनके इन्जॉयमेंट के लिए 2-4 रोटियाँ इस तरह से उनको सेक के खिलाएँ, तो उनको काफ़ी पसंद भी आई। अगला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा एक जार कह सकते हैं आप उसको, या कंटेनर बोल सकते हैं। देखिए ये एक सिरेमिक का बना हुआ कैप्सिकम है और ये आजकल काफ़ी वायरल भी हो रहा है, तो मैंने भी इसको ऑर्डर किया। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो मुझे इसका जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा दिख रहा था, पर ये एक्चुअल में काफ़ी बड़े साइज़ का है। और पैकिंग देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी आई है, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, तो अगर आप इसको लेना चाहें ले सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो 209 रुपीज़ है। इसके अंदर आप सॉल्ट वगैरह रख सकते हैं या आपका कोई पिकल वगैरह है उसको रखकर आप डाइनिंग टेबल पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं, थोड़े बहुत बार बार हम धोते रहते हैं तो जो हमारा किचन का स्लैब होता है वो गीला हो जाता है, तो उस मैट को मैंने ऑर्डर कर लिया, काफ़ी यूज़फुल सा दिखाई दे रहा था। चलिए इसको चेक कर लेते हैं ये वैसा है कि नहीं। तो देखिए इसको मैंने ओपन किया और जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी मोटा सा ये दिख रहा है देखिए, और साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। चलिए इसको एक बार ट्राई करके भी देख लेते हैं ये कैसा वर्क करता है। तो मैंने इसको स्लैब पर ही रख लिया है और थोड़ा सा पानी इस पर मैं गिराकर देखती हूँ कितनी देर में ये एब्जॉर्ब करता है। अगर आप किचन में खुद काम करते हैं और बार बार बर्तन धोते रहते हैं तो इस मैट को बिछा लीजिए, इस पर आप बर्तन धो के रखते जाइए, सूखने के बाद इनको सेट करते जाइए, तो इस तरह से आपका किचन का स्लैब भी गंदा नहीं होता है, पानी भी धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर रहा है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही गिरा दिया था इसलिए शायद। चलिए नीचे से चेक करते हैं पानी नीचे गया कि नहीं। तो देखिए नीचे से एकदम ड्राई है, तो ये सारा पानी इसके अंदर ही है। और ये फ्रेंड्स मैंने चेक किया तो सूखता भी बहुत जल्दी है, 1-1.5 घंटे में ये वापस से तैयार हो गया सूखकर। और देखिए इस तरह से आप अपने जो आपकी बर्तन धोने की बास्केट होती है उसके नीचे भी लगा सकते हैं, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो एकदम ड्राई बना रहेगा। इसका प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 229 रुपीज़ में अच्छी डील है, इसको आप ले सकते हैं। अब जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये भी काफ़ी वायरल प्रोडक्ट है, आजकल आपने भी देखा होगा कि ये काफ़ी चल रहा है। ये एक सोप डिस्पेंसर है और काफ़ी बड़े साइज में ये आता है और काफ़ी यूज़फुल भी है। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ।
देखिए ये इस टाइप का एक इसमें स्क्रबर भी मिलता है और ये एक इसमें पॉट टाइप का है और ये पंप इसमें मिलता है। नीचे इसमें आपको लिक्विड अपना भर लेना है जो आपका सोप लिक्विड होता है और बस इस तरह से आप इसको पुश करेंगे, ये आपके स्क्रबर पर आता रहेगा। पानी मिलाइए और फटाफट से बर्तन धो लीजिए तो काफ़ी यूज़फुल है। बार बार आपको उसमें डिस्पेंसर में सोप भरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट था। होप आपको आज का हॉल पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखती रहने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ अगर आप मुझे DM करेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।